थक के सो गए। और ये देखें जी, ये कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ पैकेट्स हमें बना दिए, और मैंने खैर अपने जो अपना क्या कहते हैं हिस्सा है वो उठा के मैंने फ्रिज में रखा हुआ, ये बांटने वाला पड़ा हुआ है अभी, तो बस थोड़ी देर तक हम जो बांटेंगे। तो जी अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, क्योंकि अब असल जो चीज़ होती है ना उसको मिक्स करना है। आधे डाल के मैं इसके अंदर क्रीम डालूंगी थोड़ी, क्योंकि ये, और अब जो रह गया बाकी उसको मैं डालूंगी मैक्रोन। तो ये देख रहे हैं आप जी, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये थोड़ी सी काली मिर्च, हसबे ज़रूरत आप डाल सकते हैं जितनी आपको चाहिए, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी, कर चुकी हूँ इसको। तो जी देखें, इधर हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको बस दम देने लगी। देखें कितने मज़े के, माशाल्लाह जी, ये देखें जी मटन पुलाव लग रहा है, ये आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का, यकीन करें रेडी हुआ है। ये देखें जी, ये बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं, कह रही हुई है जी हम अभी आए, ये देखें आप। तो सबको जी बहुत बहुत ईद मुबारक, और ये देखें जी मेरा आज का ड्रेस, और ये देखें जी हमारे बच्चे भी साथ रेस्ट कर रहे हैं। असल में आते आते हम थोड़े से लेट हो गए, तो ये वही इस तरह है जी जहाँ पे छोटी पे हम आए थे, क्योंकि ये एक तो है मेरे हस्बैंड के दोस्त भी हैं, और दूसरा ये हमारा अपना भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत खुला डुला है। मतलब कुछ होते हैं फार्म हाउसेस जो इतना उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता। तो ये देखें जी किचन में मैंने सारा सामान वगैरह रख दिया है। ये देखें जी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और हमारे मेहमान आए जी स्पेशल, हमारे मेहमान मेरा कज़न है, तो वो भी आपको, उससे भी आपको मिलाएंगे, खाल से आए हैं। ये देखें साथ उनकी गाड़ी खड़ी है, ये देखें जी अभी रात का टाइम हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये देखें जी खूबसूरत सा चांद। हम अच्छी तरीके से अभी वीडियो नहीं कैप्चर कर सके, क्योंकि मेहमान आ गए और साथ हम उनके साथ इंगेज हो गए, और मैंने तो ये देखें जी, आपको पता है जब कुर्बानी की जारी बात है, ईद हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है फ्री होते होते। माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी, ये रात का जी आप नज़ारा करें, रात का एनवायरनमेंट देखें कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो जी बड़े मज़े का वेदर हुआ टाइम, मौसम भी अच्छा है। तो ये आप देख रहे हैं, अभी देखते हैं जाके जी बच्चे क्या कर रहे हैं। ये ओके देखो, यानी ने कहवा इधर से ब्यूटीफुल ड्रेस ड्रेस है न्याय से। ये देखें जी, ये दोनों बहनें बैठी हैं, और देखें जी इनके ड्रेसेस कितने अच्छे लग रहे हैं। अलीना का बहुत प्यारा ड्रेस है ना अलीना, अभी बस बच्चों को भी भूख लगी है अभी। अली नहीं खाने चावल, हाँ चावल खाने, अच्छा ठीक है। तो ये देखें जी राजा साहब आग जला रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें धुआं किधर जा रहा है। और ये देखें जी, ये है मेरा भाई जो आप सब ने कई दफ़ा लाइव में इसका जिक्र तो सुना होगा, तो ये है जी अफसाम। अफसाम ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको, ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो जी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अफसाम हमारे पास ईद करने आया है, और ये आप देख रहे हैं ये अफसाम की खुशी में हमने आग लगाई है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मिराज है, अभी बस ये गए थे, अभी सिटी का चक्कर भी लगा के आए, और बस जी हमने कहा कि थोड़ी आग वगैरह जलाते हैं, थोड़ा माहौल गर्म करते हैं। और अफसाम सुनाओ कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके हमारी तरफ? तो यकीन करें हमें भी बड़ी खुशी है कि आप पहली दफ़ा आए, बड़े टाइम बाद आपने शुक्र हमारे लिए भी टाइम निकाल ही लिया आखिर इधर आने का। जी तो भाई बुलाते बुलाते आखिर हमारे पास ही आए। हाँ बिल्कुल जी, देखे ना जी, बस क्या कहते हैं दिल में चाहत हो तो बंदा पहुँच ही जाता है इसमें। Thank you.
खाना खा रहे हैं अंदर, मैं भी खाना खा चुकी हूँ, बच्चों ने भी खाना खा लिया। अब ये वाला आइटम बस बाकी बच गया है, अभी इसको बस फिनिश करना है क्योंकि हमारे थोड़े लेट हैं। और मैंने कहा वो ज़ाहिर बात है इतनी दूर से आए हैं तो उनको भूख लगी होगी, तो पहले हम खाना खिलाते हैं, तो ये चीज़ ज़रा ठहर के इसकी जगह भी बन जाएगी बाद में। मुझे भी लग रहा है जैसे कि होटल वाली चाय मैंने बना दी है माशाल्लाह। मुझे कैसी लग रही है आपको खुशबू, देखिए कितनी आ रही है, जबरदस्त है, बहुत मजे की। क्या है शमसे? बटरफ्लाई है, चमगादड़ है। अच्छा जी, ये जी मेरे बच्चे डर रहे हैं, इसको बटरफ्लाई नज़र आ रहा है, इसको चमगादड़ नज़र आ रही है। और ये देखें जी, मैं अपनी चाय अंदर ले आई हूँ क्योंकि जेंट्स तो बाहर बैठे हैं, तो मैंने कहा मैं बच्चों के साथ अंदर बैठ के पीती हूँ, थोड़ा रिलैक्स भी हो और साथ करना। ये मेरी ये जो छोटू है ना, ये बहुत शौकीन है चाय की। क्या चाय पीनी है? हाँ आज गर्मी लग रही है, आज शांति को पेप्सी पीनी है। अच्छा लीना बाहर पड़ी हुई सोफे पर पेप्सी, बाहर से पेप्सी उठा के ले आओ। अच्छा बटरफ्लाई होते हैं शांति, क्या तो ये देखें जी, अभी हमारे जो गेस्ट आए थे उन्होंने यहाँ पे खाना खाया और अभी वो बाहर चलेंगे। ये देखें जी, इस राह की जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग उन्होंने की है। ये देखें शांसे, यू लाइक इट? कितना अच्छा शांसे का ड्रेस है। देखा जी, ये मैंने ऐसे लाइट से शांसे का लिया है। सची अमजद, ये क्या था? ये क्या था? ये जी लीना, ए समझो लीना ठीक कह रही थी। लीना देखो सही कह रही थी, ये कह रही थी बटरफ्लाई, शांसे कह रही थी बटरफ्लाई उड़ गई बाहर। और राजा साहब सुनाए कैसी गुजरी? बहुत जबरदस्त जी, मजा आ गया यकीन करें। दोस्त लोग आए थे तो काफी एंजॉय किया हम सब ने, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त लोग भी बहुत जबरदस्त। अच्छा थकावट भी होती है लेकिन ये है कि बंदा एंजॉय भी करता है, सही बात है ना? बिल्कुल।
तो मैं आगे अपने व्यूज को बता रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह इसकी रेनोवेशन हुई है पूरे, इस तरह की न्यू फर्नीचर इस पे लगा है। और ये आप देख रहे हैं जी, ये सारा कुछ न्यू फर्नीचर। और ये जो इसके मालिक है वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो कह रहे हैं जी कि ये न्यू फर्नीचर के आप बाद आप पहले बंदे हो जो है ना, जो आके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, यही बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा वो मजलिस भी बड़ी प्यारी लगाई है उन्होंने। ये देख रहे हैं जी बच्चे बाहर लेटे हुए हैं, अभी ये देखें जी शानदे और अलीना को, मेहमान हमारे, तो हमने उन्हें घर भेज दिया है, मैंने अपने भाई और वो मतलब मेरा बेटा उनको लेके घर चले गए, और हमने जी रात यहीं पे आज स्पेंड करनी है। और बहुत ही खूबसूरत मौसम है, आप यकीन करें। शानदे नहीं करो, अलीना तंग नहीं करो, थोड़ा सा यहाँ पर बस ये है कि ये आप देख रहे हैं कितनी मज़े की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, थोड़ा सा ये क्योंकि बाहर का एरिया है ना तो नेट का थोड़ा सा इशू होता है, बाकी ओवरऑल बहुत खूबसूरत यकीन करें मौसम होता है, बड़ा अच्छा फील होता है हमें। वो देखें जी खूबसूरत सा चांद, इतना प्यारा लग रहा है, आप बिलीव करें कितनी, मैं जब भी इस तरह में आती हूँ और स्पेशली जब हम जब भी आए हमने रात स्पेंड की, तो यकीन करें मुझे पाकिस्तान की मतलब याद आना शुरू हो जाती है कि इतना प्यारा वहाँ पे हम टाइम गुजारते थे। ये भी आप देख रहे हैं जी, इन्होंने ये वाला मतलब यहीं पे बर्तन वगैरह धोए, क्योंकि जब इधर बाहर कुकिंग करते हैं तो भाई इधर किचन की ज़रूरत नहीं है जाने की। और ये जो वॉशरूम्स हैं ये देख रहे हैं आप जी, कितना प्यारा व्यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें राजा साहब गए हुए गाड़ी में कुछ उठाने, तो लग गए अपनी शरारतें करने साथ लाइट्स के साथ, तो बड़ा प्यारा सा मौसम होगा भाई। अमजद आपको कैसा लगता है? यकीन करें रात को पूरे 3 बजे का टाइम है, आप यकीन करें कि मैं यहाँ बैठ के बस खामोशी से जिसको कहते हैं ना रिलैक्स फील कर रही हूँ, बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई एक्स्ट्रा बातें ना करूँ, बस खामोशी से। आपको ये साउंड की आवाज़ भी आ रही होगी, आप देख रहे हैं इसको, मुझे छोड़ा है लीना के पास। तो यकीन करें इतना खूबसूरत मौसम, और ऊपर पे तारे हैं, वैसे तो ब्लैक है मतलब वैसे वो क्या कहते हैं चांदनी नहीं है इतनी, क्योंकि 10 ज़िलहज भी तो है ना, वो तो मुझे लगता है मुझे चांदनी तब होती है जब महीने का मिड हो, 14 तारीख के बाद 14वीं का चांद होता है। हाँ तो मैंने कहा ना मिड हो जैसे, तो आपको भी पता है वैसे तो आम यूजुअली हम बाहर अगर निकलते हैं भी हैं तो गाड़ी में बैठ के नज़ारे इस तरह के कर लिए या कहीं उतर भी जाते हैं, लेकिन जिस तरह अभी अगर आप किसी फार्म हाउस पर आके रात स्पेंड करते हो तो बिलीव करें उसकी जो होती है ना फीलिंग्स वो ही टोटली डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में आपको पता है खुले खुले घर होते हैं, इसी तरह माशाल्लाह हमारा भी घर है गांव में, तो वो मैं आपसे आपको ये बता रही थी, तो बिल्कुल मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे कि मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ। देख रहे हैं आप, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो ये जी आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है और अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम है, तो अभी मैं उठी हूँ और आप यकीन करें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब टोटली डिफरेंट आम रूटीन से जिस तरह की होती है सुबह हमारी। और पानी की आवाज़ इस तरह आ रही है जैसे वो समंदर की लहरों की आवाज़ होती है, जैसे हम जाते हैं आपको पता है कई दफ़ा ये हकल में, तो यहाँ से जी पानी इसके अंदर भरा जा रहा है इंशाल्लाह जी, आज हम थोड़ा स्विमिंग को भी इंजॉय करेंगे, देखें कितना खूबसूरत है। रात को हम बैठे थे,
इस क्या कहते हैं इस तरह में बहुत सी एक क्या कहते हैं अब तो हमारी यादें जुड़ती जा रही हैं। अब भी स्कूल आपके फूल को देख के मुझे याद आ गया छोटी ईद पर हमने जब शॉर्ट्स वगैरह बनाए थे इतने ज़्यादा फूल थे। अभी आप देखें कितना प्यारा लग रहा है एक फूल। तो अभी आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, सिर्फ ये है कि बोल रह गया। पिछली दफ़ा मैं आई थी तो यहाँ इस साइड पे था, अभी ये सिर्फ एक ऊपर है। देखिए अल्लाह की शान, ये आगे अंगूर लगा हुआ है, इनके बड़ा मज़े कर रहा टाइम। अलीना रात कैसी गुजरी? अच्छी। मज़ा आया? हाँ। एंजॉय किया आपने? वो देखिए शांजे आ रही है जी, मैं भी इधर आके बैठ गई। आ जा शांजे, आ जा बेबी। यकीन करें इतना अच्छा लगता है यहाँ के बैठना, बड़ा से खुला डुला सा माहौल। कबूतर रखे हुए हैं और वो जो आगे आपको ग्रीन सा नजर आ रहा है ये वाला ग्रीन सा